शर्म आना चाहिए यार, शर्म आना चाहिए। साला हमारा वीकेंड बर्बाद कर दिए, तुमको पाप लगेगा जोया, पाप लगेगा। वो फिल्म देखने के बाद हमारा हालत ऐसा हो गया कि जो बचा कुचा आर्चीज का कॉमिक्स था ना, बचपन का कलेक्शन का साला, वो भी फाड़ के गैस पे जला के उस पे पापड़ तला है। ये देखिए कौवा अलग भ्रष्टाया हुआ है, 2 घंटे से काय काय कर रहा है, ये हमारे साथ बैठ के खिड़की से देख रहा था नई फिल्म जिसका नाम है बेकार चीज, आर्चीज। उस फिल्म के अंदर हम 2 चीजें ढूंढते रहे, एक्टर और एक्टिंग, दोनों छोड़ के सब कुछ था फिल्म के अंदर, स्टोरी था फिल्म के अंदर, आर्ट डायरेक्शन कमाल था, उसके अलावा फिल्म पूरी डायरेक्शन लेस चल रही थी यार। किधर थे एक्टर, कैसी डायलॉग डिलीवरी है, डायलॉग की प्री मेच्योर डिलीवरी होते हुए पहली बार देखे यार हम फिल्म के अंदर। 9 महीना वर्कशॉप करा लेते ना, डिलीवरी तो ठीक होती। सारे डाल दिए इधर उधर के लड़के, नंदा जी का लड़का आ गया, कपूर साहब की लड़की आ गई, खान साहब की लड़की आ गई। खान साहब की लड़की का डायलॉग डिलीवरी लग रहा था उसको जुकाम है। हम ये नहीं कह रहे उनका भविष्य उज्जवल नहीं है भाई, हमसे तो उज्जवल है, हम तो 4 दिन वही टी शर्ट पहन के सोते हैं। लेकिन यार 650 रुपए का सब्सक्रिप्शन लिया नेटफ्लिक्स का, 4 यूजर वाला यार, हर महीना कटता है वो, तो हमारा क्यों काट रहे हो। ये फिल्म देखने के बाद हमको रियलाइज हुआ कि दुनिया कहीं ऐसी भी हो जाए इस तरह के लौंडे ना जी रहे हैं जिंदगी, इस तरह की लड़कियां हैं, कहां है ये दुनिया, किधर है ये दुनिया। हमको साला एस्पिरेशनल कहीं से ही लगा, सिर्फ एस लगे सबके सब वहां पे। इतनी गंदी एक्टिंग कर रहे हैं सब लोग, ऐसा लग रहा था जैसे एक एक गाना आजकल गवाते ना सिंगरों से जो ऑटो ट्यून पे जिंदा है, एक लाइन गाते हैं फिर अगली लाइन 2 घंटे के बाद गाते हैं, 2 घंटे तक एक ही लाइन गाते हैं, लग रहा था एक ही डायलॉग दो दो बार, दो दो घंटे तक शूट करके रखा है सबने। कैरेक्टर डिफाइन नहीं हो पा रहा, हमको अपने कैरेक्टर पे शक होने लग गया वो देख के। तुम इतना प्रमोशन किया, होर्डिंग लगा रखे बम्बई के अंदर, हम एक्साइटेड बैठे आर्चीज आई, क्या हम जला कॉमिक वॉमिक पढ़ लिए 2-4 दिन पहले, वो सदमा उतारने के लिए जवान देखनी पड़ी है दोबारा। हम क्या कौवा परेशान है बाहर, वो हमारी, उसको ही ट्रांसलेट करके बोल रहा हूं मैं। पैसा लगता है यार, क्यों कंज्यूमर के पैसे का कोई सोचता नहीं है। इतना अच्छा अच्छा एक्टर बंबई शहर में इंडिया में बैठा है, घूम रहा है फिर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, उसको चांस नहीं मिल रहा है, और जिनको मिल रहा है वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। हम नहीं मानते नेपोटिज्म वेपोटिज्म, आलिया भट्ट दुनिया की सबसे अच्छी एक्ट्रेस है हमारे लिए, वो भी भट्ट साहब की बेटी है। रणबीर कपूर से अच्छा एक्टर नहीं है इस टाइम पे कोई इंडस्ट्री में, वो भी ऋषि कपूर जी के सुपुत्र है। लेकिन डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, पर हड्डियों का डॉक्टर बनने के बाद वो दिल का इलाज नहीं कर सकता, समझिए। हमको लिए दो हमारे 650 रुपए वापस यार, 1 महीने के सब्सक्रिप्शन पे।